स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओवैस फ्री लर्निंग में। मेरा नाम है ओवैस खान और मैं बात कर रहा हूं भागलपुर से। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री का टॉपिक संगम एज, जो कि क्लास 9th का टॉपिक था हमारा, उसे कवर किया था। और अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज की जो वीडियो है हमारी उसे हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक साउंड चैप्टर का आखिरी पार्ट होने वाला है क्लास 9th का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्स विच डू नॉट इफेक्ट साउंड स्पीड, और साथ ही साथ हम लोग समझने वाले हैं कि इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है। तो चलिए खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एंड दोस who haven't subscribed my channel yet, go and subscribe it and don't forget to press the bell icon, because as soon as I upload my videos, it will reach you instantly. So let's start our video. Let's go. अब देखिए, यहां से भी आपको सवाल बन सकता है। पिछली वीडियो में फिजिक्स की हम लोगों ने बात किया था कि कौन सा फैक्टर जो है साउंड स्पीड को अफेक्ट करता है, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट दोस फैक्टर्स व्हिच डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन दिस मीडियम। सबसे पहला है आपका फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ये आपके साउंड स्पीड को अफेक्ट नहीं करता है। उसी तरह से चेंज इन वेवलेंथ में अगर चेंज होगा वो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट नहीं करता है। उसी तरह से एम्पलीट्यूड में अगर चेंज होता है वो भी इफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद आपका जैसे कि फेज है, लाउडनेस है, पिच क्वालिटी, ये सब चीज इफेक्ट नहीं करता है। हाँ, जैसे कि चेंज इन फेज, लाउडनेस, पिच और साउंड का क्वालिटी जो है, ये सब आपका साउंड के स्पीड को इफेक्ट नहीं करता है। और आखिरी जो है हमारा, अगर प्रेशर में चेंज होता है, प्रेशर में अगर चेंज होता है तो ये भी हमारा स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट नहीं करता है। अब इसमें से आप लोगों को चार पॉइंट लिखने के लिए आएगा, इसमें से कोई भी चार आप लोग लिख सकते हैं, इट विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। यू डोंट नीड टू नोट इट डाउन, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूं, ये धीरन एंड दोषी की बुक है। अगर ये आप लोगों के पास है तब तो बहुत अच्छी बात है, जो सारा नोट्स आप लोगों को बुक में ही मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू मार्क इट इन योर बुक, और इट डजंट मैटर इफ यू डोंट हैव दिस बुक, इट डजंट मैटर एट ऑल, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। Whole syllabus will be same. बुक से फर्क नहीं पड़ता है, टॉपिक समझ में आना चाहिए। Now we'll talk about the comparison of speed of sound and speed of light. मतलब sound के speed में और light के speed में हम लोग comparison करेंगे और देखेंगे किसका speed ज्यादा है। आप लोग जानते होंगे light का speed obviously बहुत ज्यादा है sound के speed से, so we'll talk about it. First of all we shall have this one. बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है साउंड स्पीड और लाइट स्पीड में, और इस बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से हम लोग नेचर में कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ये हम लोग लेंगे कि लाइटनिंग हम लोग पहले देखते हैं थंडर से, जब बारिश होने वाली होती है तो आप लोग लाइटनिंग की आवाज पहले सुनेंगे।
लाइटनिंग इज सीन बिफोर थंडर, लाइटनिंग इज सीन बिफोर थंडर इज हर्ड। मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि आप लोग बादल के गरजने की आवाज जो है उसको बाद में सुनते हैं और बिजली जो चमकती है उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। अब देखिए जो फ्लैश ऑफ लाइटिंग है इसको हम लोग पहले देखते हैं, बादल के गरजने की आवाज से पहले हम लोग चमकती हुई बिजली को देखते हैं। हालांकि दोनों ही जो है वो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों ही साथ में प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि लाइट जो है बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है और इस वजह से हम लोग उस फ्लैश को इंस्टेंटेनियसली देख लेते हैं। हम लोग उसको जैसे ही वो चमकती है बिजली हम लोग उसको इंस्टेंटेनियसली देख लेते हैं। और साउंड जो है वो बहुत ज्यादा स्लोअर ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। इस वजह से जो हम लोग बिजली के बादल के गरजने की आवाज है उसको लेट से सुनते हैं, उसको टाइम लगता है हम लोग के कानों तक पहुंचने में क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज मच लोअर देन दैट ऑफ लाइट और फिर वो फ्यू सेकंड्स के बाद हमारे कानों तक पहुंचता है। तो याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और हमारा यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है ये 330 मीटर पर सेकंड है, जैसे कि मैंने आप लोगों को उस दिन पढ़ाया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड दीज टू वैल्यूज, स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन दैट लाइटनिंग इज सीन बिफोर द थंडर, बिफोर थंडर इज हर्ड। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, वी ऑलरेडी नो इट नाउ। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ पिस्टल विच इज फायर्ड इन एन एथलेटिक इवेंट। अब मान लेते हैं कि एक पिस्टल को फायर किया जाता है स्टार्टर के तौर पे एक एथलेटिक इवेंट में, मतलब कोई रेस वेस शुरू होती है तो आप उसमें देखेंगे कि पहले गोली चलाई जाती है कि ये बताने के लिए कि इवेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आप देखेंगे कि वो स्मोक जो है वो पहले देखा जाता है और साउंड जो है वो बाद में सुनाई आपको देता है। वो स्मोक आप लोग पहले देख लेंगे, उससे जो धुआं निकलेगा उसे आप लोग पहले देख लेंगे और फिर वो जो आवाज आएगी आप लोगों को गोली की उसे आप लोग बाद में सुनेंगे। इसके पीछे भी यही रीजन होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड से। यहां पे दूसरा पिस्टल इज फायर्ड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका जब पिस्टल फायर होता है तो स्मोक जो है आप पहले देख लेंगे, स्मोक इज सीन अर्लियर, ठीक है, स्मोक इज सीन अर्लियर देन साउंड इज हर्ड। साउंड बाद में सुनेंगे आप लोग गोली चलने की। और इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉल बैट को हिट करता है तो वो आप बॉल हिट करते हुए पहले देखेंगे और साउंड आप लोग हिट करने का बाद में सुनेंगे। मतलब आप लोग जब देखेंगे कि बॉल जो है वो बैट को हिट कर गया वो आप लोग पहले देख लेंगे लेकिन उसका जो आवाज है उसका जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको आप लोग बाद में सुनेंगे। इसके पीछे भी ये रीजन है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड से और इस वजह से हम लोग बॉल को हिट करते हुए बैट से पहले देख लेते हैं क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा है तो हम लोग उसे पहले देख लेते हैं और उसकी आवाज हम लोग बाद में सुनते हैं। तो यहाँ पे आप तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, बॉल हिटिंग बैट फर्स्ट, ठीक है, हम लोग बॉल को बैट को हिट करते हुए पहले देख लेते हैं। तो ये तीन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि कंसिक्वेंसेज ऑफ लार्ज डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों का अगर आप लोग को एग्जाम्पल इसका कंपेरिजन का अगर आप लोग को तीन एग्जाम्पल देने के लिए दे दिया जाए कि प्रूव करिए एग्जाम्पल्स के थ्रू कि लाइट जो है वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है, तो ये तीन एग्जाम्पल है आपका लाइटनिंग वाला, पिस्टल वाला और बॉल बैट वाला, बैट बॉल वाला। So now we'll talk about range of hearing. So first of all, we have to rub this one. अब देखिए साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए हम लोग को एक वाइब्रेटिंग बॉडी की जरूरत पड़ती है लेकिन आप देखेंगे जब हम लोग अपना हाथ आगे पीछे इस तरह से करते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड तो वाइब्रेशन तो यहां पे भी हो रहा है लेकिन हम लोग को साउंड सुनाई नहीं दे रहा है।
अब देखिए साउंड वेव जो होता है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है जो कि वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो। साउंड वेव में क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है जो कि आपका वाइब्रेट होता है टू एंड फ्रो। यहां पर टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है और इसी को हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। अब देखिए जितने बार वाइब्रेट करेगा पर सेकेंड वो पार्टिकल्स, ठीक है, जिस भी मीडियम में साउंड जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एयर मीडियम में साउंड प्रोपोगेट कर रहा है, तो वहां पर जितना भी पार्टिकल्स है वो जितनी बार वाइब्रेट करेगा एक सेकंड में उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कितने बार ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है वन सेकंड में, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, और इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते इसे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसका हम लोग पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में अपने साउंड के, कि इसका जो आपका ऐसा यूनिट है वो हर्ट्ज है, एच जेड, और इस वन हर्ट्ज का मतलब होता है वन फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, ठीक है, वन वाइब्रेशन पर सेकेंड, सॉरी वन वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब देखिए ह्यूमन ईयर जो होता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड नहीं सुन सकता है, मतलब इसी रेंज का साउंड जो है वो ह्यूमन ईयर सुन सकता है। हम लोग का जो कान है उसका रेंज क्या है, यहां देख लीजिए 20 to 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये हम लोग को ऑडिबल है, ठीक है, ये साउंड ऑडिबल है हम लोगों के लिए, ह्यूमन ईयर के लिए। अगर इससे कम वैल्यू रहेगा तो हम लोग नहीं सुन सकेंगे, और अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा तो भी हम लोग नहीं सुन सकेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल रेंज। तो अगर आपसे सवाल आ जाए कि राइट द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, सो यू कैन राइट 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज, तो ये आपका ऑडिबल रेंज है ह्यूमन ईयर के लिए। लेकिन सबका ऑडिबल रेंज अलग अलग होता है, ये ह्यूमन ईयर का ऑडिबल रेंज है। ऑडिबल का मतलब है विच कैन बी हर्ड। अब देखिए जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी आपका 20 हर्ट्ज से नीचे होता है उसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक, और जिसका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। सो लेट्स रिपीट फर्स्ट, ठीक है, इंफ्रासोनिक क्या होता है आपका, इंफ्रासोनिक साउंड्स में आपका 20 हर्ट्ज से नीचे है, लेस देन 20 हर्ट्ज, ये लेस देन का साइन मैंने दिया है, लेस देन 20 हर्ट्ज है। और अगर अल्ट्रासोनिक पूछ देगा तो अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है साउंड्स विच हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, अगर इतने फ्रीक्वेंसी से ज्यादा साउंड है तो फिर उसको हम लोग कहेंगे कॉल इट अल्ट्रासोनिक साउंड। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन, सिंपल पेंडुलम जो होता है, या कुछ एनिमल्स जैसे कि व्हेल, जैसे कि एलिफेंट, ये लोग इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट राइट गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड, सो यू कैन राइट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। यहां लिख सकते हैं हम लोग EQ अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, व्हेल्स का साउंड, ठीक है, उसके बाद एलिफेंट्स का साउंड, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम होता है एलिफेंट साउंड, ठीक है, ये सारा आपका इंफ्रासोनिक का एग्जांपल है। एंड इफ आई टॉक अबाउट अल्ट्रासोनिक साउंड्स, देखिए बैट्स की अगर हम बात करें तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी आपका 120,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बैट्स जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं जब वो चिल्लाते हैं वाइल स्क्रीमिंग। तो बैट्स जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि वो देयर नियरली ब्लाइंड, लगभग वो अंधे ही होते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो बैट्स प्रोड्यूस करते हैं ये रिफ्लेक्ट होता है वापस से दूसरा ऑब्जेक्ट से जाकर टकराता है अपने पाथ में। फॉर एग्जांपल बैट्स जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड जब प्रोड्यूस करता है तो अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उससे जाकर टकरा के वो वापस सेम पाथ में जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है, और वहां पर इको प्रोड्यूस होता है। इको का मतलब आप लोग समझते हैं ना, जैसे आप लोग खाली घर में जाएंगे वहां पर चिल्लाएंगे खाली घर में, या फिर आप पहाड़ के ऊपर जाके चिल्लाएंगे कोई भी नाम चिल्लाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्कर,
तो आपका वो आवाज जो है वो रिपीट होगा, मारकर 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 इस तरह। सो दैट्स व्हाट यू कॉल इको, रिपीटेशन होता है साउंड का। तो यहां पर क्या होता है, इको प्रोड्यूस होता है और उसको बैट्स जो है डिटेक्ट कर लेता है। इसी की वजह से इस इकोलोकेशन की वजह से, इकोलोकेशन किसके इकोलोकेशन की वजह से, ऑब्जेक्ट्स के इकोलोकेशन की वजह से जो उनके आसपास हैं, तो बैट्स जो है वो रात में भी उड़ सकते हैं विदाउट कोलाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बैट्स जो होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो अंधे होते हैं, तो फिर वो रात में आखिर उड़ते कैसे हैं जब उनको कुछ दिखता ही नहीं है। तो भैया ऐसे ही उड़ते हैं क्योंकि चूंकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो साउंड अगर उनके आगे कोई ऑब्स्टिकल है उससे जाकर टकराता है और टकरा कर फिर वापस उसी पाथ में लौटता है और उससे आपका इको प्रोड्यूस होता है जो वो सुन लेते हैं। ठीक है, तो उससे उनको पता चल जाता है कि रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है जिससे वो बच जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग बैट्स का एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बैट्स का एग्जांपल दे सकते हैं। डॉग्स और डॉल्फिन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये 40 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। हंटर्स लोग जो होते हैं, जो लोग शिकार करते हैं, ये स्पेशल विजल का यानी कि एक ऐसी सीटी का इस्तेमाल करते हैं, सीटी का, जिसको हम लोग कहते हैं गैल्टन विजल, ताकि वो हाउंड्स को वापस बुला सके। हाउंड्स यानी कि हंटिंग डॉग्स को वी कॉल इट हाउंड्स, ठीक है, ताकि वो लोग हाउंड्स को वापस बुला सके। तो ये लोग एक ऐसे स्पेशल सीटी का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हंटिंग डॉग्स। ठीक है, ये शिकारी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे अपने वो हंटिंग डॉग्स को वापस बुलाने के लिए गैल्टन विजल का इस्तेमाल करते हैं। GALTON, यू कैन नोट इट डाउन, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैवंट रिटन हियर। So now we'll talk about the properties of ultrasonic waves or ultrasonic sound or ultrasound. We shall talk about it. First of all, let's have it. Now we'll talk about properties of ultrasound or ultrasound, ultrasonic waves. इसको हम लोग ultrasonic waves भी कह सकते हैं। शकलान तुम्हारा आवाज आ रहा वीडियो में? या अल्लाह। अब देखिए चूंकि मैंने अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात किया है कि अल्ट्रासाउंड का या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपका 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है उनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है जो कि आपका ऑडिबल साउंड के पास नहीं होता। ऑडिबल साउंड मतलब कि ह्यूमन ईयर के लिए जो ऑडिबल है, विच इज नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, सॉरी, विच इज नॉट, जो ऑडिबल रेंज होता है आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज, इसको हम लोग कहते हैं ऑडिबल रेंज। ठीक है, तो वो आपका ऑडिबल रेंज जो काम नहीं कर सकता है वो काम आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर अल्ट्रासाउंड करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हाई एनर्जी। इसका पहला प्रॉपर्टी है कि इसके पास एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, चूंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, तो एक वेव, इसका जो वेव होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी अपने साथ कैरी करता है। और इसके ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण, चूंकि इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के पास बहुत ज्यादा एनर्जी जो होता है उसके पास होता है, तो इसके पास हाई एनर्जी होता है। ठीक है, दूसरा है कि इसके पास हाई डायरेक्टिविटी होता है। हाई डायरेक्टिविटी, हाई डायरेक्टिविटी। अब देखिए जब लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो किसी ऑब्स्टिकल को मीट करता है तो वो आसानी से बेंड हो जाता है, कॉर्नर्स के थ्रू बेंड हो जाता है आसानी से, और फिर वो चारों हर डायरेक्शन में फैल जाता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड जो होता है वो, उसके पास ये क्षमता होती है कि वो ट्रेवल कर सकता है अलोंग वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ। इसके पास ये क्षमता होती है कि ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर सकता है टकराने के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल ये जाएगा, ये किसी ऑब्स्टिकल से टकरा जाएगा, उसके बाद भी ये इसी डायरेक्शन में वापस आ सकता है, ये स्प्रेड नहीं करेगा चारों तरफ। इसके पास ये क्षमता होती है अल्ट्रासोनिक साउंड के पास,
कि ये चारों तरफ टकराने के बाद स्प्रेड नहीं करेगा लाइक इंफ्रासोनिक साउंड, जैसा कि इंफ्रासोनिक साउंड के केस में होता है। अब इससे हम लोग ये पता चलता है कि ये आसानी से बेंड नहीं होगा, बल्कि बेंड ही नहीं होगा, एट द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल, एज पे अगर जाके टकराता है, किसी चीज के कोने पे अगर जाके टकराता है, आपका अल्ट्रासोनिक साउंड कोने पर जाके उसके एज पे साइड पे जाके टकराता है, देन ऑल्सो इट विल नॉट बेंड, वो बेंड नहीं करेगा, स्प्रेड नहीं करेगा। तो ये दो खासियत होती है इसकी, इसके पास हाई एनर्जी होता है और इसके पास हाई डायरेक्टिविटी होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अल्ट्रासोनिक एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासाउंड। इसका नॉर्मल डेली लाइफ में यूज क्या है आपका अल्ट्रासाउंड का या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स का। सो लेट्स रिपीट, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सोनार। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन इसका, अब देखिए सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एज फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए ये वो मेथड होता है जिसका इस्तेमाल हम लोगों को सी के डेप्थ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि समुद्र की गहराई को का पता लगाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल, इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए कि समुद्र के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सबमरीन्स, जैसे कि सी रॉक्स, समुद्री पत्थर, उनको लोकेट करने के लिए इस मेथड का, सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है इसी को हम लोग कहते हैं सोनार, इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, सोनार। मतलब ये स्मॉल अगर लेटर लिखा हुआ है तो ये डिवाइस का नाम है, और अगर कैपिटल लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से तो इसका मतलब होता है ये मेथड है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये मेथड है और ये आपका डिवाइस है। अब देखिए ये जो सोनार ऑपरेटर्स होता है इसमें आपका दो पार्ट्स होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, और एक रिसीवर होता है। इसमें आपका दो पार्ट्स होता है, एक होता है आपका ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करने का काम करता है, और एक होता है आपका रिसीवर, ठीक है, एक होता है आपका रिसीवर। अब देखिए सोनार डिवाइस जो होता है वो शिप के बॉटम साइड से अटैच कर दिया जाता है, शिप के निचले हिस्से से अटैच कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका ये शिप है तो इसके यहां पर जो है इस एरिया में सोनार डिवाइस जो है उसको लगा दिया जाता है, SD से मैं डिनोट कर रहा हूं सोनार डिवाइस को, इस तरह से लगा दिया जाता है। अब देखिए जो ट्रांसमीटर होता है ये ऊपर जो आप देख रहे हैं पहला वाला जो इसका पार्ट होता है सोनार डिवाइस का, इसको अलाउ किया जाता है कि ये अल्ट्रासाउंड इमिट करे हर डायरेक्शन में पानी के अंदर। अब ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि अल्ट्रासाउंड जो है वो स्प्रेड नहीं होता है, इट डजंट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, इट डजंट स्प्लिट, इट जस्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो अल्ट्रासाउंड है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तब तक ट्रेवल करता है जब तक कि वो किसी ऑब्जेक्ट को जैसे कि सबमरीन को या फिर किसी डूबी हुई शिप को जो डूब गई है उसको हिट ना कर दे या फिर सी बेड को हिट ना कर दे। अब ये जो वेव्स होता है ये फिर रिफ्लेक्ट होता है और वापस से रिसीव हो जाता है सोनार के थ्रू। मतलब फॉर एग्जाम्पल की ये जो है अल्ट्रासाउंड छोड़ेगा, ठीक है, अल्ट्रासाउंड छोड़ेगा, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई ऑब्स्टेकल होगा, यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक शिप डूबी हुई है, इस गहराई पे शिप डूबी हुई है, तो अल्ट्रासाउंड यहां से निकलेगा और यहां इससे टकराएगा और फिर इसी सेम डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, ठीक है, पहले ट्रांसमिट होगा, अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट होगा, वो यहां आएगा, टकराएगा इससे और फिर सेम डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, जिसकी वजह से ये सोनार डिवाइस जो है ये डिटेक्ट कर लेगा कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक शिप जो है इतने डिस्टेंस पे डूबी हुई है या वहां पर है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। अब देखिए सोलर डिवाइस जो है ये टाइम भी मेजर कर लेता है कि अल्ट्रासाउंड को उस ऑब्जेक्ट तक जाने में कितना वक्त लगेगा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल शिप के नीचे ये सोलर डिवाइस लगा हुआ है तो ये भी डिटेक्ट कर लेगा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और फिर आसानी से इसका डिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है।
अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, v इज इक्वल टू 2d बाई t, v इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बाय टाइम। ये स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, ठीक है, ये स्पीड है आपका, ये आपका टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का जो ये मेथड होता है इसको हम लोग कहते हैं इको रेंजिंग। अब ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जितना भी डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये आपका 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं इको रेंजिंग। इस मेथड को क्या कहते हैं? इको रेंजिंग। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज अ डेफिनेशन, नोट इट डाउन। अब देखिए मरीन जियोलॉजिस्ट जो थे वो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं डेप्थ ऑफ सी को डिटरमाइन करने के लिए या फिर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए, जैसे कि सबमरीन और जैसे कि शिपरेक्स। अगर किसी शिप का कोई टुकड़ा जो है वो समंदर के अंदर पड़ा हुआ है और अगर वो वैल्यूएबल है या फिर उसको ढूंढना है उन्हें, तो फिर उसको लोकेट करने के लिए वो इस मेथड का, इको रेंजिंग का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेडिकल एप्लीकेशंस, लेट्स स्टार्ट। ये इसका दूसरा वाला एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने समझ लिया है सोनार, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, सोनार में कौन सा दो पार्ट्स होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेडिकल एप्लीकेशंस, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए बच्चों अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल जो है वो मेडिकल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। पहला हम लोगों ने समझ लिया सोनार, ये दूसरा एप्लीकेशन है हमारा विच इज मेडिकल एप्लीकेशन। अब देखिए अल्ट्रासाउंड जो है उसका इस्तेमाल मेडिकल डायग्नोसिस के लिए किया जाता है हॉस्पिटल्स में। अब देखिए एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, इको कार्डियोग्राफी। ये प्रोसेस होता है, टेक्निक होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड जो है उसको हार्ट तक भेजा जाता है, दिल तक उसको भेजा जाता है हार्ट तक, और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे पार्ट्स में जो है वो अलग अलग पार्ट्स से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है और फिर एक हार्ट का एक इमेज लेकर आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड को जो है बॉडी के अंदर छोड़ा जाता है, फिर मतलब हार्ट तक, उस हार्ट की तरफ उसको भेजा जाता है, फिर वो हार्ट से टकरा कर जो है वो एक इमेज बनाकर लाता है, उस हार्ट का क्या बनाकर लाता है, हार्ट का इमेज बनाकर लाता है। अब देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो एक ऐसा टेक्निक है जिसमें अल्ट्रासाउंड जो होता है वो अलग अलग ह्यूमन ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होकर डॉक्टर को इनेबल करता है कि वो पेशेंट के उन ऑर्गन्स का इमेज देख सकें, ठीक है। उसको बॉडी के अंदर छोड़ा जाता है, वो लीवर से और अलग अलग ऑर्गन से, फॉर एग्जाम्पल लीवर से, पैनक्रियास से, गैल ब्लैडर से टकरा कर वापस आता है और फिर डॉक्टर्स जो है उनका इमेज आसानी से देख पाते हैं। ये डॉक्टर्स को हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि कहीं कोई एबनॉर्मैलिटीज तो नहीं है, जैसे कि गैल ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं है, तो वो आसानी से बिना ऑपरेट किए वो पता लगा लेते हैं कि बॉडी के अंदर पत्थर, ट्यूमर, ये सारी चीजें है या फिर कि नहीं। और ये फीटस के ग्रोथ को भी मॉनिटर करने में हेल्प करता है, एक डेवलपिंग बेबी के ग्रोथ को भी मॉनिटर करने में हेल्प करता है। तो ये काम है आपका, इसका मेडिकल एप्लीकेशन का यूज है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड्स का। सो लेट्स टॉक अबाउट सर्जिकल ऑपरेशंस, सर्जिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब देखिए सर्जरी में इसका क्या इस्तेमाल है। अब देखिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल आपका छोटे छोटे पत्थर को ब्रेक करने के लिए भी किया जाता है। सोचिए कितना ज्यादा पावरफुल है कि ये छोटे छोटे पत्थर को ब्रेक भी कर सकता है, जो कि आपका किडनीज में अगर पत्थर पाया गया है तो उसको इट कैन ब्रेक इट इनटू फाइन ग्रेन्स, वो उसको चूर कर सकता है, ब्रेक कर सकता है और फिर वो पेशाब के रास्ते से वो जो छोटा छोटा, अब उसको चूंकि वो ब्रेक कर चुका है पत्थर को, तो वो आसानी से पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाएगा, इट कैन गेट फ्लश्ड आउट थ्रू यूरिन, विथ यूरिन। तो ये था आपका सर्जिकल एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल क्या था, कि ये आपका छोटे छोटे स्टोन्स को ब्रेक कर देगा, ब्रेक्स स्मॉल स्टोन्स, ब्रेक स्मॉल स्टोन्स।
अब अगला लास्ट हम लोग समझ लेते हैं कि ये मेटल्स में डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। मेटल्स में अगर कोई डिफेक्ट है, मेटल्स में कोई डिफेक्ट है तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर मान लेते हैं कि जो जिस मेटल का इस्तेमाल आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं या फिर ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, अगर उन मेटल्स में अगर कोई क्रैक है या फिर होल है तो उस तरह का डिटेक्ट जो है बाहर से नहीं दिखेगा आपको। वो चूंकि मेटल आपका सीमेंट के वो पूरा उसके अंदर है ना, फॉर एग्जाम्पल पिलर है, तो पिलर के अंदर आपका मेटल है, उसे आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? सो यू कैन यूज अल्ट्रासोनिक साउंड्स टू डिटेक्ट सच मेटल्स विच हैव होल्स इनसाइड देम। ठीक है, उनके अंदर अगर होल्स है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का या फिर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है उस तरह का डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट। तो ये इसका आखिरी एप्लीकेशन था बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा एप्लीकेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हमारा खत्म होता है साउंड का ये चैप्टर, सिलेबस का एक हिस्सा ये साउंड का चैप्टर कंप्लीट है हमारा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने बात किया है फैक्टर्स विच डू नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, और साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया है ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड के बारे में, जो कि ह्यूमन का ऑडिबल रेंज है, और अल्ट्रासोनिक और इंट्रासोनिक साउंड्स के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक साउंड्स के यूजेस और एप्लीकेशंस के बारे में भी समझा है। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाता हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो जस्ट डोंट टेक इट लाइटली। लाइटली ना लें आप लोगों की अरे सर तो पढ़ा दे रहे हैं आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया, अगर ध्यान से देखोगे वीडियो को और समझोगे तो बहुत फायदा होगा आप लोगों को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इससे बहुत फायदा हो सकता है, और यही मेरा मोटिव और टारगेट है। तो आप लोग बस इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक वीडियो पहुंच सके, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का फायदा ले सके, जिसमें वो लोग अच्छा खासा पे करते हैं पैसा जाकर। ठीक है, सो लेट्स मीट अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।